राजस्थान के जो प्रमुख लोकगीत हैं और लोकगीतों के प्रस्तुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब कुछ आज करने वाले हैं हम। आज तो आज का हमारा विषय राजस्थान के प्रमुख लोकगीत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और लोकगीतों को समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, प्रमुख लोकगीतों में राजस्थान का राज्य लोकगीत पूछे अगर, राज्य लोकगीत तो केसरिया बालम आओ दी पधारो मारे देश, राज्य लोकगीत, राज्य लोकगीत केसरिया बालम आओ दी पधारो मारे देश, आओ दी पधारो मारे देश। जहाँ एक पत्नी पति के इंतजार में उसके स्वागत में गीत का लिख मनोलिख किया गया है, मनोदशा बताई गई है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, राजस्थान का राज्य लोकगीत है। राजस्थान के लोकगीतों को समझने के लिए हमने इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तीन चार भाग में। पहला भाग लव सॉन्ग, जिसे हम हिंदी में प्रेम श्रृंगार गीत भी कहते हैं, प्रेम श्रृंगार गीत, लव सॉन्ग या प्रेम श्रृंगार गीत, प्रेम श्रृंगार गीत। प्रेम श्रृंगार गीत राजस्थान के मुख्य रूप से गीत जिसका नाम है मूमल, मूमल, मूमल गीत। मूमल एक राजकुमारी है, लुद्रवा जैसलमेर में स्थान है, लुद्रवा वहां की राजकुमारी है मूमल। उस राजकुमारी के नक्श लगाकर शिख तक का पूरा वर्णन, श्रृंगार का वर्णन एक गीत के माध्यम से किया गया है और उस गीत का नाम है मूमल गीत। ये मूमल गीत राजस्थान में जैसलमेर का है, जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है मूमल गीत। ये गीत है ढोला मारू, ढोला झालावाड़ का व्यक्ति, झालावाड़ का व्यक्ति का नाम है ढोला मारू, एक राजकुमारी है। और इन दोनों का प्रेम प्रश्न एक गीत के माध्यम से गाया गया है, ढोला मारू गीत। ढोला मारू गीत राजस्थान के अंदर सिरोही जिले का प्रसिद्ध, ढोला मारू गीत सिरोही जिले में प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध सिरोही ढोला मारू गीत। काजलियो और तांगसियो दोनों श्रृंगार सामग्री जो है और इनके माध्यम से गीत लिखा गया, काजलियो गीत कांगसियो गीत, ये भी श्रृंगार गीत की श्रेणी में आते हैं। कांगसी गीत के बोल कुछ इस प्रकार है, मारा छेल भौरो कांगसियो पणिहा या ले गई राज, कांगसी गीत ये भी प्रेम श्रृंगार का गीत है। लेकिन गोरमंद, गोरमंद गीत, गोरमंद ऊंट के गले का आभूषण होता है और उस आभूषण को बनाते समय गीत लिखा गया है गोरमंद गीत, ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण, आभूषण गोरमंद गीत में है। और ये गोरमंद गीत पश्चिमी राजस्थान का है, पश्चिमी राजस्थान का है। ये सारे हैं जो गीत राजस्थान के प्रमुख प्रेम श्रृंगार गीत हैं, लव सॉन्ग है। और इसके बाद अगली श्रेणी जो है, अगला भाग विवाह के गीत, वेडिंग सॉन्ग, विवाह के गीत, प्रेम, प्रेम के बाद विवाह और विवाह के बाद तीसरा पार्ट्स विरह गीत, विरह गीत या सैड सॉन्ग, वेडिंग सॉन्ग। विवाह के गीत राजस्थान का, विवाह के जो प्रमुख रूप से गीत, अलग अलग क्षेत्र भाषाओं में अलग अलग नाम मिलते हैं गीतों के, उस संदर्भ में सबसे पहला गीत तो विवाह का है। विवाह का पहला गीत, विवाह का संस्कार, कुल 16 संस्कारों में 15वां संस्कार विवाह के रीति रिवाज आता है और उसी क्रम में पहला रिवाज है भगवान गणेश की पूजा, उसको बोलते हैं विनायक। और यहीं पर गीत लिखा गया है विनायक गीत, विवाह का प्रथम गीत विनायक, विवाह का प्रथम गीत विनायक, विनायक गीत जो है। और यह इस गीत के माध्यम से गणेश भगवान की पूजा की जाती है और संपूर्ण विवाह अच्छे से संपन्न हो इसकी कामना मांगी जाती है, दुआ मांगी जाती है। और ये गीत है विनायक गीत, विवाह का प्रथम गीत। उसके बाद अगला गीत है बन्ना बन्नी गीत, बन्ना बन्नी गीत, बन्ना बन्नी गीत पूरे विवाह के दौरान इस गीत का आयोजन किया जाता है, पर्टिकुलर कोई लोकेशन नहीं है, पूरे विवाह के दौरान, विवाह आरंभ होने से समाप्त होने तक
प्रक्रिया पूरी होती तब तक ये पूरे गीत चलते रहते हैं, बन्ना बन्नी गीत और बन्ना बन्नी गीत के बाद एक गीत है, एक रिवाज है उबटन, उबटन या पीटी, जिसके तहत दूल्हे या दुल्हन के शरीर पर हल्दी का लेप लगाया जाता है, हल्दियत लगाई जाती है, और उसी क्रम में एक गीत गाया जाता है पीटी गीत। पीटी गीत विवाह का अगला गीत है पीटी गीत। पीटी गीत और एक संस्कार और है जहां वर वधु के ननिहाल पक्ष द्वारा उनके लिए कुछ उपहार लाए जाते हैं, और जहां रिवाज का नाम है मायरा, और मायरा भरते समय एक गीत गाया जाता है वर पक्ष की महिलाओं द्वारा या वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, उस गीत का नाम है चाक भात गीत। मायरा भरते समय एक गीत गाया जाता है चाक भात गीत। अब वर की निकासी के समय एक गीत गाया जाता है घोड़ी गीत, और घोड़ी गीत वर पक्ष की महिलाओं द्वारा भी गाया जाता है, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा भी गाया जाता है। वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर निकासी के समय, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात के स्वागत में जब दूल्हे राजा का स्वागत किया जाता है उस समय एक घोड़ी गीत गाया जाता है। घोड़ी गीत वर निकासी के समय, और तोरण मारते समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाता है, और वर निकासी के समय वर पक्ष की महिलाओं द्वारा एक गीत गाया जाता है घोड़ी। घोड़ी गीत के बोल कुछ इस प्रकार है, घोड़ी मारी चंद्रमुखी सी इंद्र लोक सु आयु राज, इस प्रकार एक घोड़ी गीत गाया जाता है। घोड़ी गीत के बाद बारात जब दूल्हे राजा अपने ससुराल जाते हैं वहाँ एक गीत, पहला गीत, उस गीत का नाम है जला गीत। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय जला गीत गाया जाता है। इस जला गीत का प्रारंभ राजपूतों के साथ पहला वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ स्थापित हुआ था, बारमल शासक था आमेर का, कछुआ वंश का, बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। उसी समय अकबर जो दुल्हे राजा थे उन्हें देखने जाते समय वहां की वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा एक गीत प्रारंभ किया गया, वहीं से गीत प्रारंभ होता है। अकबर का बचपन का नाम जलाल खान आता है और वहीं से गीत प्रारंभ हुआ जला गीत। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय जला गीत गाया जाता है। जला गीत के बोल कुछ इस प्रकार है, महाराज जोड़ी रा जलाल मैं तो डेरो निरखण आयु राज, इस प्रकार एक जला गीत गाया जाता है वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा। जला गीत के बाद बारात स्वागत और वर जो है तोरण मारते समय एक घोड़ी गीत गाया जाता है। फिर एक रिवाज है कंवर कलेवा रिवाज। उस रिवाज के तहत कंवर कलेवा रिवाज जो है उस रिवाज में एक थाली के अंदर लापसी चावल लिए जाते हैं और साले द्वारा कंवर कलेवा करवाया जाता है, भोजन करवाया नहीं जाता, केवल फोटो खिंचवाया जाता है कंवर कलेवा में, और वही प्रक्रिया जो है उसका रिवाज का नाम है कंवर कलेवा। उसी क्रम में उसी समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा एक गीत गाया जाता है गाली गीत गाया जाता है और उस गाली गीत को सीटने भी कहते हैं, सीटने कहा जाता है। अब फेरों के समय चवरी में वर वधु को जादू टोनों से बचाने के लिए वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा एक और गीत गाया जाता है कामण गीत। अगला इंपोर्टेंट गीत जिसका नाम है कामण गीत जहां वर वधु को जादू टोनों से बचाने के लिए वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गीत गाया जाता है कामण गीत जादू टोनों से बचाने के लिए। जावर वधु को अंतिम फेरे में तलवार दो तलवार क्रॉस में रखकर उनसे अंतिम फेरे में निकाला जाता है उसके मुद्दे से, वहां उसी क्रम में एक गीत गाया जाता है जो गीत का नाम है कामण गीत, वर वधु को जादू टोनों से बचाने के लिए। फेरे कंप्लीट हो गए और विवाह संपन्न हुआ उस क्रम के बाद यहाँ बधाई दी जाती है, गीत है बधावा गीत। न केवल शादी में किसी भी बधाई के अवसर पर बधावा गीत गाया जा सकता है, यहाँ विवाह संपन्न होने की खुशी में बधावा गीत भी गाया जाता है। बधावा गीत के बाद दुल्हन की विदाई और विदाई के समय दो इंपॉर्टेंट गीत जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, एक गीत जिसका नाम विदाई के समय पहला गीत जिसका नाम है ओल्यू,
ओल्यू गीत जहां पर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा दुल्हन की विदाई के समय गीत गाया जाता है ओल्यू गीत, और दुल्हन की सहेलियों द्वारा भी एक गीत गाया जाता है विदाई के समय दुपट्टा गीत और खारी नृत्य किया जाता है, दुपट्टा गीत गाया जाता है, और दोनों चीजें दुल्हन की सहेलियों द्वारा की जाती है। दुल्हन की सहेलियां दुल्हन की विदाई के समय गीत गाती है, दुपट्टा गीत नृत्य करती है, खारी नृत्य। और राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मेवाड़ क्षेत्र और मेवात क्षेत्र में इसका विशेष आयोजन किया जाता है, और खारी नृत्य किया जाता है विदाई के समय, गीत गाया जाता है दुपट्टा गीत। विदाई के समय दो गीत इंपोर्टेंट गीत हैं, ओल्यू गीत और दुपट्टा गीत। ओल्यू गीत वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा और दुपट्टा गीत दुल्हन की सहेलियों द्वारा एक गीत गाया जाता है दुपट्टा गीत। विदाई के बाद बारात रवाना, बारात अपने घर वापस आ जाती है, और वहीं पर रात्रि जागरण दिया जाता है, रात्रि जगा गीत गाया जाता है, रात्रि जागरण दिया जाता है। रात्रि जागरण के बाद अर्ली मॉर्निंग सुबह वर पक्ष की महिलाओं द्वारा, वर पक्ष की महिलाओं में वर की माँ बहन भाभी कोई भी हो सकती है, और वर पक्ष की महिलाओं द्वारा एक गीत गाया जाता है कुकड़ लो गीत, जहां पर मटकी के अंदर मुंह डालकर कुछ आवाज निकाली जाती है, और गीत है कुकड़ लो गीत। और इसी गीत के साथ विवाह के विवाह संपन्न, लगभग सारे गीत भी संपन्न। अब विवाह के बाद इस पूरे क्रम के बाद जवाई जब दूसरी बार अपने ससुराल जाता है, तो वहां जवाई आगमन पर एक गीत गाया जाता है वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, जवाई गीत जिसको बोलते हैं पावणा, पावणा गीत या पौवणा गीत, पावणा या पावणा गीत। जवाई आगमन पर एक गीत गाया जाता है, पुत्र जन्म उत्सव पर भी, पुत्र जन्म उत्सव पर भी एक गीत गाया जाता है जच्चा गीत, जच्चा जच्चा गीत, जिसका दूसरा नाम होल्लर गीत भी आता है, होल्लर या जच्चा गीत। तो पुत्र जन्म उत्सव पर एक गीत गाया जाता है जच्चा गीत, होल्लर गीत, जच्चा या होल्लर गीत पुत्र जन्म उत्सव पर गाया जाता है। ये सारे विवाह के गीत। इस क्रम के बाद अगले गीत जो है, अगली श्रेणी है विवाह, पहले गीत हमने पढ़े लव सॉन्ग प्रेम श्रृंगार गीत, दूसरा पार्ट वेडिंग सॉन्ग विवाह के सारे गीत, और तीसरा भाग जो इसका है अब लव हो गया, शादी भी कर ली, अब पैसे कमाने के लिए पति जाएगा विदेश, और विदेश जाने के संदर्भ में वीरा गीत अगला पार्ट जो है, तीसरा पार्ट जहां नाम है वीरा गीत। वीरा गीत सैड सॉन्ग, विरह गीत, विरह गीत, विरह गीत को समझें। पहला विरह गीत जो है, विरह गीत की परिभाषा जिस प्रकार है, जहाँ पति पत्नी का ऐसा जोड़ा है जहाँ पर पति पैसे कमाने विदेश गया हुआ है, और पति अपने पत्नी जो है पति की याद में पीछे गीत गा रही है, विरह गीत है। सारे तीन पक्षी हैं और संदेशवाहक पक्षी हैं, उन पक्षियों को देखकर पत्नी कल्पना करती है कि जो पक्षी आ रहे हैं उससे वो पक्षी उसके पति का संदेशा लेकर आ रहे हैं, ऐसी कल्पना पत्नी करती है, और उसी संदर्भ में गीत लिखा गया है। तीन जो संदेशवाहक पक्षी हैं, एक पक्षी का नाम है कागा, कौवा, क्रो, कागा जिसको बोला जाता है, और उसी संदर्भ में गीत है कागा गीत। और ये स्पेशल गीत है अतिथि आगमन पर, अतिथि आगमन पर यह गीत गाया जाता है, अतिथि आगमन पर, अतिथि आगमन पर गीत गाया जाता है काका गीत। काका गीत के बोल कुछ इस प्रकार है, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीर जी घर आवे, गीत अतिथि आगमन पर गाया जाता है। दूसरा गीत है कुर्जा गीत, कुर्जा एक पक्षी है जो साइबेरियन सारस कहा जाता है, इसे सर्वाधिक कुर्जा पक्षी राजस्थान में खींचन गांव जोधपुर में है, और कुर्जा पक्षी के आगमन के साथ ही पत्नी कल्पना करते अपने पति का संदेशा लेने वाला पक्षी मानती है इसे। और यहाँ इस संदर्भ में भी गीत लिखा गया कुर्जा गीत, कुर्जा है माने भंवर मिला दियो राज, कुर्जा गीत कुछ इस प्रकार गीत है कुर्जा गीत। और कुर्जा के बाद अगला इम्पोर्टेंट गीत है, इसका नाम है सुवटिया, सुवटिया गीत, जहां पर स्थान है मेवाड़, और मेवाड़ की भील स्त्री द्वारा, मेवाड़ की भील स्त्री द्वारा एक गीत लिखा गया, गीत बताया गया, गीत का नाम है सुवटिया गीत। सुवटिया एक पक्षी तोता पैरट और उसको बोलते हैं सुवटिया, उसी संदर्भ में गीत है सुवटिया गीत। सुवटिया गीत के बाद इस क्रम में एक और इम्पोर्टेंट गीत है, गीत का नाम झोरावा, झोरावा गीत जैसलमेर, जैसलमेर का वीरा गीत है, जहां पर पति
कि यार मैं पत्नी द्वारा जोरावा गीत गाया जाता है। एक गीत है सुपना गीत, सुपना गीत जहां पर पत्नी पति पति की याद में रात्रि में सुपना गीत जो गाती है। सुपना गीत के बोल कुछ इस प्रकार है, सूती थी रंग मेला में सूता सूता ने आयो ने जंजाड़, सुपना में माने भवर मिला दियो। तो सुपना गीत कुछ इस प्रकार है। एक गीत है बिछुड़ो गीत, और बिछुड़ो गीत के बोल कुछ इस प्रकार है। एक ग्रामीण दशा मनोदशा है जहां पर एक पत्नी को बिच्छू कहा जाता है और पति कुछ खुली छूट देती है पत्नी कि मुझे बिच्छू खा गया है, आप दूसरे शादी कर लेना, अपना जीवन पालन अच्छे से करना और बच्चों का भी जीवन पालन अच्छे से कर लेना। ऐसी छूट दी जाती है पत्नी द्वारा बिच्छू खाने की मनोदशा बताई गई है, ग्रामीण परिवेश है। और गीत है बिछुड़ो गीत, हाड़ौती क्षेत्र को प्रसिद्ध राजस्थान में, हाड़ौती क्षेत्र का राजस्थान में प्रसिद्ध है बिछुड़ो गीत। और इस बिछुड़ो गीत के बोल कुछ इस प्रकार है, मैं तो मरी हो जाती हूँ राज खा गयो मेरे बिछुड़ो। ये बिछुड़ो गीत राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये सारे जो है मुख्य रूप से वीरा गीत राजस्थान के सारे है इस प्रकार। और इस वीरा गीत के बाद एक अगली श्रेणी है जहाँ तीज त्योहार के गीत हैं। त्योहारों के गीत में पहला जो गीत है तीज त्योहार के गीत, पहला गीत गणगौर, गणगौर गीत, गणगौर त्योहार जो है गणगौर पर्व पर गीत गाया जाता है। गणगौर गीत खेलन दियो गणगौर भवर माने खेलन दियो गणगौर, इस प्रकार एक गीत के बोल है गणगौर गीत। और राजस्थान में सर्वाधिक गणगौर उत्सव का मेला जो पड़ता है जयपुर जिले में सबसे अधिक फेमस है गणगौर का मेला। और तीज के दिन के गीत गाया जाता है तीज गीत। और आज हमने पूरा परिचय किया पार्ट वन के अंतर्गत राजस्थान में कुछ प्रमुख जो लोक गीतों के बारे में, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक पार्ट टू वाला वीडियो भी बनाऊंगा मैं, वो भी आप देख सकते हो। और आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो लाइक भी करें शेयर भी करें।